नमस्कार, मैं वनीता तिरपुड़े युगांतर शिक्षण संस्था की वर्किंग प्रेसिडेंट और तिरपुड़े हॉस्पिटल की संचालिका, नाशिकराव तिरपुड़े ब्लड बैंक की डायरेक्टर। ब्लड बैंक शुरू करने का उद्देश्य यह था कि उत्तर नागपुर में कोई ब्लड बैंक थी नहीं, और इधर के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको ये सुविधा उपलब्ध करने के लिए हमने ब्लड बैंक शुरू की। जरूरत अगर होती थी किसी को, किसी पेशेंट को, उत्तर नागपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, अब नागरिकों को तो रक्त की जरूरत पड़ती है, एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारे कारणों से उनको रक्त की जरूरत पड़ती है, तो उनको जो असुविधा होती थी ब्लड लेने के लिए, देने के लिए, वो सारी ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर नागपुर में ये सुविधा उपलब्ध कराई है। हमारे ब्लड बैंक में सभी प्रकार के ब्लड से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, अलग अलग ग्रुप के ब्लड्स होते हैं, वो उससे लेकर सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। और मैं चाहती हूँ कि इस परिसर के लोग, उत्तर नागपुर के लोग इसका फायदा लें। पहली ब्लड बैंक है शहर की जो ई ब्लड बैंक कहलाएगी। ई सेवा फ्री है हमारे यहाँ, और ई ब्लड बैंक से दूर दूर तक के लोग इससे जुड़ सकते हैं, और जितनी जल्दी उनको इसका सुविधा मिले, फायदा हो, यही हमारा उद्देश्य रहा है। तो इस बारे में हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो आपको समझाएंगे। एक्चुअली ट्रांसमिशन वेन टू वेन टेक्नोलॉजी है, और भी इसमें डिटेल्स में अगर आपको बताना है तो हमारे टेक्नीशियंस आपको डिटेल में बताएंगे। संपर्क करने की सुविधाएं जो है, फोन से बता सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं कि प्लाज्मा क्या, कौन से ग्रुप का अवेलेबल है, नहीं है, और उस तरह से वो बुकिंग कर सकते हैं, और डोनर भी ला सकते हैं। डोनर्स लाकर ब्लड डोनेट के बाद भी उनको जो ग्रुप का प्लाज्मा चाहिए वो भी ले जा सकते हैं। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, ब्लड रिलेटेड जो भी ब्लड बैंक में चाहिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। फिलहाल अभी तो हमारे पास 150 प्लाज्मा से लेके बाकी सारी चीजें उपलब्ध है। हाँ, है ना, सब कुछ है हमारे पास। हमारे टेक्नीशियंस आपको सारा डिटेल्स दे देंगे, आपको जो भी सवाल और है आप उनसे पूछ लीजिए, वो सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक। और मैं डॉक्टर वेंकटेश लक्ष्मण पेड़गांवकर, इंचार्ज नाशिकराव तिरुपड़ी ब्लड सेंटर, जो कि युगंधर एजुकेशन सोसाइटी के अंदर चलाया जाता है, इनके वर्किंग प्रेसिडेंट है वनीता तिरुपड़े, उनके माध्यम से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। ये जो है उत्तर नागपुर की पहली ई ब्लड बैंक है। इस ब्लड बैंक में आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, जैसे कि हॉस्पिटल से अगर फोन आता है या फिर उसका ऑनलाइन हमको रजिस्ट्रेशन आता है कि हमको ये प्लाज्मा चाहिए, ये ब्लड चाहिए, वो चीज आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद ऑफलाइन में यहाँ से हमारा बंदा लेके आएगा, उसकी कॉस्ट नहीं लगेगी। जो कुछ भी चाहिए वो आपके हॉस्पिटल में डिलीवर हो जाएगा, जैसे कि आपके पास प्लाज्मा है, ब्लड है, प्लेटलेट्स है, PRP है, हमारे पास एफरीसिस से बना हुआ सिंगल डोनर प्लेटलेट भी है, और प्लाज्मा कोविड का भी बन सकता है, जो कि हमने 15 दिन के लिए स्टॉप किया है FDA के नॉर्म की वजह से। उसकी मशीन भी रेडी है, एवरीथिंग इज ऑन विथ लाइसेंस। हमारे पास 7 चीजों का लाइसेंस है जो प्रोडक्ट बनते बढ़ के, और वो 7 के साथ रेडी है सर। देयर इज कोविड का प्लाज्मा भी अवेलेबल है हमारे पास, और नॉन कोविड प्लाज्मा भी अवेलेबल है। उसको जो सिंगल डोनर प्लाज्मा बोलते हैं उसको आप RBD बोल रहे हैं, वो भी अवेलेबल है, वो 100 बैग से सर आज के टाइम में रेडी है। कोविड का जो है उसके नॉर्म्स बड़े हैं, अभी बंद करने के कुछ दिन के लिए, तो वो बंद है सर। उसकी मशीन है, सब कुछ है,
अपने ब्लड सेंटर में आप ई सेवा भी है, ऑफलाइन सेवा भी है, कुछ फॉर्म लेके भी आते हैं। जो डोनर यहाँ आएगा उसका ब्लड निकालने के बाद उसको रिफ्रेशमेंट दी जाएगी, उसको नियमर 40-45 मिनट्स लगते हैं, उसके बाद उसको चाय कॉफी बिस्किट्स कुछ रिफ्रेशमेंट्स वो सब दिया जाता है। जैसे कि आज एक पहला डोनर हुआ है वो आस्था की तरफ से था, उनके लिए भी हमने बाकी चीज करवाई। हमारे मैडम ने उसको एक बड़ा सा गिफ्ट किया, उसका फर्स्ट डोनेशन था ऑन कैंप, जैसे हमारे यहाँ पहला दिन था ऑफिशियल, हमारे पास तो पहले से रेडी है, परमिशन परमिटेड है। सेपरेशन की सुविधा पूरी तरह से अवेलेबल है, जैसे कंपोनेंट सेपरेशन किया जाता है, एपेरिसिस होना चाहिए, एपेरिसिस भी है, बाकी सब मशीन्स आपको एक वीडियो कॉल में चाहिए तो आपको सब क्लिपिंग्स दे देता हूँ मैं उसके आपको, उसके साथ चाहिए तो आप कैमरा उठा लो, मेरे साथ चलो, मैं आपको हर चीज दिखाने को तैयार हूँ।